सौभाग्य है कि उत्तराखंड देवभूमि में होनी निश्चित हुई है और 26 और 27 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी रहेगी। और क्योंकि उसके लिए हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ मौजूद रहेंगी, तो वो 25 तारीख आज ही यहाँ पर आ जाएंगी। और आज दीनदयाल जयंती है तो इसलिए वो पहले दीनदयाल पार्क जाएंगी, वहाँ पर माल्यार्पण करेंगी। और हमारी 2 दिन की कार्यकारिणी में हमारे केंद्र से कई लोगों का हमें यहाँ पे मार्गदर्शन और उनका वक्तव्य यहाँ मिलने वाला है। कार्यकारिणी से पहले हमारी पदाधिकारी बैठक होगी जिसमें माननीय बीएस संतोष जी यहाँ रहेंगे और समारोह भी जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का है उनका इसका समारोह बीएस संतोष जी द्वारा किया जाएगा। हमारा उद्घाटन सत्र है, उसमें हमारे मुख्य अतिथि जो है हमारे नड्डा जी रहेंगे, जेपी नड्डा जी हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, और माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें आएंगे उद्घाटन सत्र में। और इसके अलावा कई तरीके के सत्र चलने वाले हैं, रेजोल्यूशन सेशन होने वाला है जिसमें पॉलिटिकल रेजोल्यूशन पास होगा, और बहुत सारे मुद्दों की जो आज बात हो रही थी उनमें काफ़ी मुद्दे महिलाओं को लेकर पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में आएंगे। और उसके अलावा बहुत सारी ट्रेनिंग, जिस तरीके से हम पॉलिसी एंड रिसर्च में आज हम काम करना चाहते हैं, जिस तरीके से सोशल मीडिया है, मीडिया है, उसके लिए हम काम करना चाहते हैं, तो क्योंकि चुनावी प्रदेश के भी प्रतिनिधि सब आने वाले हैं, तो बहुत सारे चुनाव को लेकर भी बातें होंगी और बहुत सारी महिलाओं को आगे उनकी लीडरशिप को बढ़ाने के लिए भी पूरी कार्यकारिणी में बातें होंगी।